केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा 1989 बैच के अफसर इंदु भूषण को कंपलसरी रिटायर दे दिया है। वे अभी एपीओ चल रहे थे। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से नवंबर 2017 में राजस्थान के आईपीएस अफसरों का कराए गए प्रदर्शन के आंकलन के बाद यह आदेश जारी किया गया। गृह मंत्रालय की यह सूचना राज्य सरकार को मिल चुकी है। राजस्थान में किसी अधिकारी को कंपलसरी रिटायरमेंट देने का यह पहला मामला है। इससे पहले जनवरी 2018 में ही गृह विभाग ने इंदु भूषण को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें निलंबित नहीं किया गया था। इंदु भूषण पर मीडिया से बात करने और डीजीपी की बैठक में एक सीनियर आईपीएस को अपशब्द कहने सहित कई आरोप हैं। इंदु भूषण को 5 बार एपीओ किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कई माह पहले उन्हें एपीओ किया था। खास बात यह है कि लगभग 26 साल की नौकरी में इंदु भूषण को 5 बार एपीओ किया जा चुका था। इस संबंध में आईपीएस इंदु भूषण का कहना है कि कंपलसरी रिटायरमेंट करने के बारे में सूचना मिली है, लेकिन अभी तक आदेश नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 25 साल की सेवा या 50 साल की आयु, 15 साल की सेवा और 5 साल की सेवा पूरी करने वाले राजस्थान कैडर के 21 अफसरों के परफॉर्मेंस का आंकलन किया था। इनमें से 1989 बैच के अफसर इंदु भूषण को कंपलसरी रिटायर करने के लिए सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंदु भूषण को रिटायर कर दिया है, जबकि अन्य 20 आईपीएस अफसरों का प्रदर्शन ठीक रहा, जो भविष्य में भी राज्य के लिए सेवाएं देते रहेंगे।